चैनल, मैं हूँ निशान। वेलकम टू अनदर ब्लॉग। क्योंकि आप भी चल रही है दुर्गा पूजा, तो हैप्पी दुर्गा पूजा टू एवरीवन। सो आज है सप्तमी, तो हम लोग अभी घूमने के लिए निकल रहे हैं। अभी 8 बज रही है। हाँ, अभी 8 बज रही है, तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, मैं, मम्मी और भैया। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक मिनी ब्लॉग बना लेती हूँ कि कैसे यहाँ रांची में कैसे सेलिब्रेट होती है दुर्गा पूजा। सो लेट्स गो, मैं आप लोगों को शो करूंगी कैसे यहाँ पे पंडाल बनती है और क्या होती है, मेला वगैरह, झूला वगैरह सब कुछ लगती है, तो मैं आप लोगों को शो करूंगी। तो अभी हम लोग अच्छे से रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो मैं जब निकलती हूँ तो आप लोगों को शो करूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसके बगल पे एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लेता कि आपकी कोई भी नया वीडियो मिस ना हो सके। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे से रेडी होकर के निकल गए थे घर से घूमने के लिए। तो रोड आके देखा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है माइक की और गाने की, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर कर लूँगी, वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। सो गाइस, हम लोग ना पहली पंडाल में पहुंच गए थे। ये है रातू रोड आर एस स्पोर्टिंग क्लब, और काफ़ी भीड़ थी यहाँ पे, मतलब कि भीड़ तो हर जगह ही थी, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था और हम लोग को लाइन लगा के अंदर दर्शन करने के लिए घुसना पड़ा था दुर्गा माँ का। लगलो दोला काशे बोने ही मेल शरोत्ताने। सो गाइस, हम लोग ना सेकेंड पंडाल पे पहुंच गए थे, और ये है मरवाड़ी भवन हरमू, और यहाँ पे भी काफी भीड़ थी, आप देख ही सकते हैं। काशर बुने ईमेल शारो ताने शुष्टी चावा पावा अट्टा शप्तमिता सिल्फिते शेजे छे आज अष्टमी अंजरिया नवमी जग जमके आकाशे पूजा बंगार। हम लोग ना पहुंच गए थे नेक्स्ट पंडाल पे, जो थी ओसीसी क्लब, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख ही सकते हो कितना हम लोग लाइन लगा के अंदर गए थे। पर यहाँ की जो दुर्गा माँ की मूर्ति थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पहुंच गए थे नेक्स्ट पंडाल पे, जो थी रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में पंडाल। हाँ, ये रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में बनती है पंडाल, और ये बहुत सुंदर लग रही थी क्योंकि पूरी रेनबो एंड क्लाउड्स वगैरह थी, तो बहुत खूबसूरत लग रही थी ये वाली पंडाल। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं नेक्स्ट पंडाल पे, और ये पंडाल भी हरमू में बनती है। ये भी बहुत अच्छी लग रही थी पंडाल, और अंदर से भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। सो गाइस, हम लोग ना नेक्स्ट पंडाल पे पहुंच गए थे, पर ये वाली पंडाल में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी भीड़ थी, तो हम लोग नहीं एंटर किए थे इस पंडाल। सो गाइस, हम लोग निकल गए फिर नेक्स्ट पंडाल की तरफ, जो थी बकरी बाजार पंडाल। और यहाँ की जो पंडाल थी बहुत खूबसूरत थी, क्योंकि यहाँ पे इस्कॉन टेबल बनी हुई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ये पंडाल। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भी थी, काफ़ी ही ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि ये जगह बहुत ही बड़ी है और यहाँ पे झूले वगैरह भी लगते हैं, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है हमेशा। ঢাকের তালে কোমর দোলে খুশিতে নাচে মন আজ বাজা কাশোর জমা আসর থাকবে মা আর কতক্ষণ। सो गाइस, यहाँ ना मुझे सैंडविच देखे मुझे हल्की सी भूख लगने लगी, तो फिर हम लोग सैंडविच खाए, उसके बाद फिर हमें घर निकलनी थी, तो फिर हम लोग घर के लिए फिर निकल गए। काशोर, जमाशोर,
सो फ्रेंड्स, हम लोग घर पहुंच गए. अभी 12:30 आसपास, 12:30 हो रही है. हम लोग अभी घर पहुंचे. सब जगह की मेन पंडाल हम लोग ने अच्छे से घूम लिया. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले, और उसके बगल पर एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर ले, ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना हो सके. तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.